हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एच वी जावलर पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आर्मी अग्निवीर का फिजिकल कब होगा और आपके फिजिकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर रिक्वायर रहेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर चाहिए होंगे। तो दोस्तों जिन भी डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताऊँगा इन डॉक्यूमेंट के यहाँ पर फिजिकल में, तो दोस्तों ये आर्मी की तरफ से नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है। तो मैं आपके इस वीडियो में फुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लेने पड़ेंगे और कहाँ से आपके ये डॉक्यूमेंट बनेंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी जल्दी चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि जब भी आपके यहाँ पर आर्मी अग्निवीर का फिजिकल के एडमिट कार्ड रिलीज हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक तो पहुंच पाए। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर आर्मी अग्निवीर रैली 2023 के बारे में मैं आपको बता दूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर चाहिए होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड साथ में लेना पड़ेगा, वो भी कलर में आपको अपना एडमिट कार्ड लेना पड़ेगा ओरिजिनल, और दोस्तों उसकी एक कॉपी भी आप करवा लीजिएगा। लेकिन आप ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपको अपना साथ में लेना पड़ेगा फिजिकल का। तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपने पासपोर्ट साइज के यहाँ पर फोटो लेने पड़ेंगे, जो कि आपके 3 मंथ के यहाँ पर खींचे हुए होने चाहिए, और उसका यहाँ पर बैकग्राउंड आपका यहाँ पर वो वाइट होना चाहिए। तो वाइट के कलर आपका यहाँ पर बैकग्राउंड होगा तो आपका यहाँ पर फोटो नहीं लिया जाएगा आर्मी की तरफ से। तो दोस्तों आगे मैं आपको बताऊं कि आपका यहाँ पर मार्कशीट यहाँ पर मांगी हुई है उन्होंने, क्लास 10th की और 12th की मार्कशीट आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पर ओरिजिनल होनी चाहिए, और साथ में इसकी दो दो कॉपीज भी आप करवा लीजिएगा। तो दोस्तों आगे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट उन्होंने मांगा हुआ है, ये भी आपको ओरिजिनल लेना पड़ेगा, और इसकी भी दो कॉपीज आप करवा लीजिएगा, और साथ में आपका आधार कार्ड भी आपको यहाँ पर साथ में लेना पड़ेगा। ये मैंने आधार कार्ड इसमें नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आधार कार्ड आपके साथ लेना पड़ेगा। या तो आप आधार कार्ड ले सकते हैं, या तो आप ड्राइविंग लाइसेंस, या तो आप पैन कार्ड, इन तीनों में से आप किसी एक को साथ में लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट है तो वो आप साथ में ले जाइएगा। जिस भी मेरे भाई का यहाँ पर रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है आपके पास, जिस भी मेरे भाई का यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है, जिसके भी पापा या पापा फादर यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है, वो अपना रिलेशन सर्टिफिकेट साथ में ले जा सकते हैं। और साथ में आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, वो भी आपको बनवाना पड़ेगा, उसके भी 5-6 दिन लगते हैं बनवाने में। तो दोस्तों आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा, वो भी आपको साथ में लेना पड़ेगा, और साथ में आपको अनमैरिड सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर साथ में लेना पड़ेगा, वो भी आपका जरूरी है। तो दोस्तों कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, लीजन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, वो भी आप साथ में ले जाइएगा, क्योंकि आर्मी के एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं मिलता उस टाइम पर तो आपको यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। तो आर्मी ज़्यादा सोचती नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता आपके पास उस समय, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेने पड़ेंगे, जो जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ, और जहाँ जो जो डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट मैं बता भी रहा हूँ, वो भी आपको साथ में लेने पड़ेंगे। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट, दोस्तों करेक्टर सर्टिफिकेट आपका पुलिस स्टेशन से आपको मिलेगा, तो SHO से आपको यहाँ पर अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, इसके भी कम से कम भी दो दिन लग जाते हैं बनवाने में, तो आप जल्दी से जल्दी अपना करेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा लें। अगर आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना नहीं आता है तो इसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड दूंगा कि कैसे आपको अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है और अनमैरिड सर्टिफिकेट आपको कैसे बनाना है। तो अगर आपको इन सर्टिफिकेट का बनाना नहीं आता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपको इसके लेटर आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो दोस्तों आगे आपके पास अगर NCC सर्टिफिकेट है, वो भी आप साथ में ले जाइएगा। अगर आपके पास स्पोर्ट्स कैटेगरी से हैं तो आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो वो भी आप साथ में ले जाइएगा। तो दोस्तों ये हो गए आपके यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास रिक्वायर्ड रहेंगे आर्मी की तरफ से, ये क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लिए उन्होंने मांगे हुए हैं तो फिजिकल के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और आपका और भी कोई क्वेश्चन होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, तो वहां पे जाके मुझे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो दोस्तों जय हिंद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। लास्ट में मेरी आपके साथ एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जल्दी जल्दी चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि जब भी आपके यहाँ पर एडमिट कार्ड रिलीज हो आर्मी अग्निवीर के तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो मैं उस वीडियो में आपको यह भी बता दूंगा कि कैसे आपको अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं। तो दोस्तों जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।